कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो आज हम पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वासवरूपम में। इसकी ऊंचाई है 369 फीट। और सबसे पहले हम अंदर एंट्री करते हैं, तो इसके लिए हमको लेनी पड़ेगी यहाँ से टिकट, और टिकट की प्राइस है टोटल 400 रुपये। 200 रुपये तो आप यदि अभी जैसे नीचे से देख रहे हैं इसके लिए, और 200 रुपये यदि आपको मूर्ति के अंदर से होकर ऊपर तक दर्शन करने हैं इसके लिए आपको 200 रुपये की अलग टिकट लेनी पड़ेगी। और इस टाइप का आपको एक हाथ पर बांधने के लिए बैंड दिया जाएगा जिसको आपको बांधना जरूरी है, इसके बांधे बिना आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो अभी हम ये जो रास्ता बनाया हुआ है इससे आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये अभी बैक साइड आपको मूर्ति का दिख रहा है। 369 फीट की हाइट है इस मूर्ति की, और अभी हम इसके एक साइड में पहुंच गए हैं। और यदि आप सामने की साइड में देख रहे हैं तो छोटी सी आपको एक और मूर्ति दिखाई दे रही है, ये इसी मूर्ति का एक छोटा रूप तैयार करके नीचे रखा हुआ है। और ये देखिए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, पैर देखिए कितना बड़ा विशालकाय पैर है। और ये जो छोटी मूर्ति है इसको पहले आपको मैं पास में ले जाके दिखाता हूँ। तो जो मेन मूर्ति हम ऊपर देखने जा रहे हैं उसका एक छोटा रूप यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इतनी यहाँ पर हरियाली है, बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। 51 बीघा जमीन की जो पहाड़ी है उस पर ये पूरी मूर्ति बनी हुई है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इस मूर्ति को बनने में 10 साल का समय लग गया। ये जो आप देख रहे हैं इसमें 10 साल का समय लग गया। और ये आप सामने जो मूर्ति के नीचे गेट देख रहे हैं यहीं से आपकी एंट्री होती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको जूते चप्पल और यहाँ तक कि सॉक्स भी बाहर उतार कर ही अंदर जाना होता है। अंदर जाने के लिए देखिए बिल्कुल 5-स्टार लग्जरी यहाँ पर ऑफिस टाइप का पूरा नीचे बना हुआ है। और यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है जो आपको सीधा ऊपर लेकर जाती है मूर्ति के अंदर दर्शन करने के लिए। 10 लोग यहाँ पर एक साथ बैठकर मूर्ति के ऊपर तक दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो अब हम लिफ्ट में चढ़कर ऊपर की साइड में आ चुके हैं, और ये मूर्ति के जो कान का कुंडल है उसके नीचे हम अभी खड़े हैं। और ये हाइट है अभी लगभग 280 फीट की। और इसके साथ ही यहाँ पर नाग भी बनाया हुआ है, ये देखिए, ये तो नाग का कुंडल है और इसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर नाग बनाया हुआ है। इस मूर्ति को बनाने में 3000 टन स्टील और लोहा लगा। इसके अलावा मूर्ति के अंदर 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर इस्तेमाल की गई है जो आपको ऊपर के साइड में लेके जाती है। अब आप यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर कांच का रास्ता बनाया हुआ है, कांच का ब्रिज बनाया हुआ है, और यहाँ पर आप एक एक करके सभी लोग जाते हैं। इसको देखने में थोड़ा एक रोमांचकारी अनुभव होता है, और बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं तो डर भी जाते हैं क्योंकि सीधा नीचे दिखता है और 280 फीट से ज़्यादा की हाइट है। तो जिनका पहले कभी काम नहीं पड़ा हुआ इस तरह की जगह जाने के लिए तो वो थोड़ा सा यहाँ पर डर जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस मूर्ति में 250 किलोमीटर की स्पीड से भी यदि हवा चल जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही शानदार एक त्रिशूल बनाया हुआ है। इसी कांच के रास्ते से यदि आप आगे जाएंगे तो त्रिशूल बनाया हुआ है, और बहुत लंबे चौड़े एरिया में देखिए पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और यहाँ पर नीचे रोडें बनी हुई है। हालांकि टिकट 400 रुपये का है, लेकिन जितनी ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, मदन जी पालीवाल ने इस मूर्ति का निर्माण कराया है, वो देख के लगता है कि टिकट की जो प्राइस है वो बिल्कुल वर्थ इट है। क्योंकि बहुत ही अच्छी यहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम किया गया है, इतनी ऊंचाई पर बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती है, तो सबके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का सिस्टम किया गया है। ऊपर भी स्टाफ पूरा लगाया हुआ है सिक्योरिटी के लिए, और गेट पर जब एंट्री होती है तो भी वहाँ पर पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम किया गया है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये मूर्ति के सामने नंदी बनाए हुए हैं, नंदी महाराज यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं, और इसके ठीक सामने ये मूर्ति स्थापित है। और यदि हम कुछ नंबर्स की बात करें तो ये जो नंदी महाराज है इनकी लमसम जो हाइट है, लंबाई है, वो है 37 फीट। और मूर्ति के यदि आप चेहरे और जटा की बात करें तो वो है 72 फीट, आंख है 18 फीट, सीना है 72 फीट का, पेट है 60 फीट, हाथ 40 फीट, आसन मुद्रा जो है वो है 75 फीट की, पंजा है 65, त्रिशूल है 191 फीट का, कुंडल 9 फीट, नाग जो बनाया हुआ है वो है 31 फीट का। और यहाँ पर भगवान शिव को ध्यान और अल्लड मुद्रा में दिखाया गया है। इस मूर्ति को बनाने में 10 साल और 300 करोड़ रुपए की लागत आई। बाहर आपको बहुत शानदार पार्किंग मिल जाता है जहाँ पर आप अपने वाहन खड़े कर सकते हैं। यदि आपके साथ में कोई बैग वगैरह भी है, सामान है, उसको रखने के लिए भी यहाँ पर अच्छे से अंदर स्टोर बनाया हुआ है। 300 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मूर्ति के लिए
मदन जी पालीवाल को देसी ट्रेवलिंग और आप सभी दर्शकों की तरफ से एक धन्यवाद तो बनता है। हर हर महादेव दोस्तों।